शुक्रिया विवेक भाई। सबका मैं पहले तो यहाँ स्वागत करता हूँ, और मैं जिस नगरी से आया हूँ वहाँ माँ गंगा का वास है, और मैं वहीं से शुरू करता हूँ कि कल कल बहती गंगा सबकी प्यास बुझा रही है, कल कल बहती गंगा सबकी प्यास बुझा रही है, ना किसी का मजहब ना धर्म पूछ रही है, ना किसी का मजहब ना धर्म पूछ रही है, फिर क्यों तेरी मेरी के चक्कर में बेचारी माँ गंगा पिस रही है। अगला सुनिएगा, ये ऐशो आराम ये शानो शौकत ये महल दुमहल किसके लिए है, ये ऐशो आराम शानो शौकत ये महल दुमहल किसके लिए है, जब होना ही है हमें रुखसत दोनों हाथ खाली लेकर, तो ये कफन की तैयारी किसके लिए है। अगला देखिएगा कि सजा कर रखा करो कफन अपने नाप का, कि सिलवा कर रखा करो कफन अपने नाप का, ना जाने कब खाक होना पड़े, छोड़कर ऐसो आराम की जिंदगी दो गज जमीन में सोना पड़े। अगला देखिएगा कि कर दिया करो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, तुम्हारा क्या चला जाता है, कि कर दिया करो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, तुम्हारा क्या चला जाता है, तुम्हारे एक बटन दबाने से मेरी बंद किस्मत का ताला खुल जाता है। आ जाती है मेरे फिर से चेहरे पर मुस्कुराहट, आ जाती है फिर से मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट, जब मुझे एक नया सब्सक्राइबर मिल जाता है। और देखिए, माँ के लिए तो सभी लोग कहते हैं, पिता के लिए लोग कम कहते हैं, तो मैं पिता के लिए लिखता हूँ। तो लिखा है, पिता सा प्यार है सारे संसार में दिखता नहीं, उसके बराबर कोई संघर्ष करता नहीं, पिता सा प्यार सारे संसार में कहीं दिखता नहीं, उसके बराबर कोई संघर्ष करता नहीं, घिस जाती हैं उसकी चप्पलें भी हमें बनाने में, फिर भी वो उफ तक करता नहीं। और देखिएगा कि आजकल क्या चल रहा है, उसके ऊपर चंद लाइनें हैं मेरी, कि आजकल के अखबार में खबर छपने लगी है, एक बाप की बेटी पराए घर जाने के लिए घर से भागने लगी है। आजकल के अखबार में एक खबर छपने लगी है कि एक बाप की बेटी पराए घर जाने के लिए घर से भागने लगी है, छोड़ दी है उसने लाज शर्म संस्कार माँ बाप सब कुछ, छोड़ दिए उसने लाज शर्म संस्कार माँ बाप सब कुछ, वो पराए को अपना मानने लगी है, एक बाप की बेटी पराए घर जाने के लिए घर से भागने लगी है। आए जब उसी के दुपट्टे में लिपट सिमट कर उसी के जिस्म के टुकड़े, आए जब उसी के दुपट्टे में सिमट कर उसके जिस्म के टुकड़े, तो एक बाप की छाती भी फूट फूट कर रोने लगी है, एक बाप की बेटी पढ़ने लिखने वाली पराए घर जाने के लिए घर से भागने लगी है। और एक मर्द औरत से बेइंतहा मोहब्बत करता है, इसीलिए वो उसकी सुनता है, नहीं तो बना मर्द संसार में किसी की नहीं सुनता है। तो उसी पे मैंने लिखा है कि तुमसे प्यार करता हूँ इसीलिए तेरी सुनता हूँ, वरना जमाने की तो छोड़ मैं घर वालों की ना सुनता हूँ, कि तू अजमा के देख मुझको जरा आईने में, मैं आईना तोड़ दूंगा हाथों से, इतना प्यार करता हूँ कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ इसीलिए तेरी सुनता हूँ। शुक्रिया। और अगला देखिएगा कि अगला ऐसा लिखा है कि आजकल कुछ तनाव बदल रहा है, माहौल बदल रहा है, उसी पे कुछ लिखा है कि नफरत सी हो गई है उससे, अब सूरत भी अच्छी नहीं लगती, नफरत सी हो गई है उससे, अब सूरत भी अच्छी नहीं लगती, जब से दी है ना उसने मेरी माँ को बद्दुआ, उसके हाथ की रोटी अच्छी नहीं लगती। अगला देखिएगा कि
मैं तेरे ख्याल में खो जाऊं इतना पागल तो नहीं हूं। मैं तेरे ख्याल में खो जाऊं इतना पागल तो नहीं हूं। तेरे लिए रात रात भर जग मोबाइल चलाऊं इतना तो पागल नहीं हूं। मैं तेरे ख्याल में खो जाऊं इतना पागल तो नहीं हूं। तेरे लिए रात रात भर मोबाइल चलाऊं इतना पागल तो नहीं हूं। हाँ हूँ इतना पागल मैं माँ के लिए, हाँ हूँ इतना पागल मैं माँ के लिए कि उसके रोज चरण दबाऊं इतना तो पागल मैं हूं।